हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्रैगन बॉल के सीरीज के अंदर हर एक रेस को लेके बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सा रेस सबसे ताकतवर है और कौन सा रेस सबसे कमज़ोर है। ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में जो सबसे कमज़ोर रेस है वो है ह्यूमंस की रेस। ह्यूमंस के बाद हमारे जो रेस आते हैं वे टफल्स की रेस। टफल्स की रेस ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थी, पर उनकी टेक्नोलॉजी ह्यूमन से सुपर एडवांस था। उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी से सेयंस को काफ़ी अच्छा कट दी थी, पर इन द एंड वो भी सेयंस से मारे गए थे। टफल्स के ऊपर हमारी लिस्ट में आता है सीरियंस की रेस। सीरियंस की रेस ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा में न्यूली दिखाया गया है और इस रेस का आखिरी सर्वाइवर है ग्रेनोला। सीरियंस के ऊपर अपने लिस्ट में आता है साइबरमैन्स की रेस। इन रेस का एक खास बात है, इन्हें कहीं पर भी प्लांट किया जा सकता है और ये कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ग्रो होके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। साइबरमैन्स के ऊपर हमारे लिस्ट में इस बीस्ट का ये रेस आता है जो प्लैनेट बाम्पा पे पाया जाता है और ये वही बीस्ट है जो ब्रोली के बचपन में ब्रोली के साथ ट्रेनिंग किया करता था। इस बीस्ट के ऊपर हमारी लिस्ट में यार्ड्रेट्स की रेस आती है। यार्ड्रेट्स पावर के मामले में तो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, पर उनकी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी सुपर एडवांस था। अभी तक मैंने आपको जिन भी रेसेस का आइडिया दिया है वो ड्रैगन बॉल के टाइमलाइन में उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टॉप 10 के लिस्ट के अंदर हम जो रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो वाकई में सुपर पावर। टॉप 10 के लिस्ट में सबसे नीचे आर्टिफिशियल ह्यूमंस आते हैं। वैसे तो ह्यूमंस सुपर वीक होते हैं, पर उनके अंदर कुछ हेर फेर करके उन्हें आर्टिफिशियल ह्यूमंस में कन्वर्ट कर दे तो वो सुपर पावरफुल हो जाते हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमंस मतलब कि एंड्रॉयड की बात हमारी जो रेस आती है वो है डीमन रेस आते है। ड्रैगन बॉल सी के अंदर डीमन रेस का एक ही मेंबर हमने देखा था जो कि था डीमन किंग डबोरा। डबोरा पावर के मामले में आराम से सुपर सैन 1 के बराबर था। डीमन्स के ऊपर हमारी लिस्ट में नेमेकियंस की रेस आती है। नेमेकियंस की रेस वाकई में नेक्स्ट लेवल की रेस है। ये लोग आराम से ड्रैगन बॉल को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही टाइम आने पर एक दूसरे को पावर को अपने अंदर फ्यूज करके एक जगह कलेक्ट भी कर सकते हैं। नेमेकियंस के ऊपर हमारे लिस्ट में सेयंस की रेस आती है। आप लोगों ने सोचा होगा सेयंस की रेस नंबर 1 पे होगी, पर आप किसी भी कंडीशन में सेयंस को नंबर 1 में नहीं रख सकते। सेयंस के अंदर सिर्फ गोकू और वेजिटा ही गॉड के पावर लेवल पे बराबर थे और बाकी सब सेयंस का एवरेज पावर लेवल करीब करीब 5000 का बराबर था। सेयंस के अंदर वाकई में बहुत पोटेंशियल होता है, पर उस पोटेंशियल को गोकू और वेजिटा ही सिर्फ अनलॉक कर पाए थे। सेयंस के ऊपर हमारी लिस्ट में माजेंस की रेस आती है। माजेंस की रेस का आइडिया माजेंस बू को देखकर लगा सकते हो। माजेंस के अंदर वो सभी एबिलिटीज पाई जाती है जो कि हमने माजेंस बू के अंदर देखी। माजेंस के ऊपर हमारी लिस्ट में ड्रैगन्स की रेस आती है। ड्रैगन बॉल्स के से जो भी कीचड़ बाहर निकलता है वो असल में यही इस रेस से ही बिलोंग करता है। ड्रैगन ऑलमोस्ट आपकी सभी विशेस को पूरा करते हैं और बात करें सुपर सेंडोन की, वो तो सब कुछ पूरा कर सकते हैं लाइक एनीथिंग। ड्रैगन्स के ऊपर हमारे लिस्ट में फ्रॉस्ट डीमंस मतलब फ्रीजा की रेस आती है। ये रेस जन्म के समय में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हाई पोटेंशियल के साथ जन्म लेती है। फ्रीजा का पोटेंशियल का आइडिया इसी बात से लगा सकते हो कि फ्रीजा ने कुछ ही मंथ्स के ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को एक गॉड की लेवल तक पहुँचा दिया था। वो मतलब कि अपने गोल्डन फॉर्म को अचीव कर लिया था। फॉस रिमेंस के ऊपर हमारे लिस्ट में काइस की रेस आती है। काइस के अंदर वैसे सभी काइस ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, पर सुप्रीम लेवल का काई मतलब सुप्रीम काई वाकई में सुपर पावरफुल होते हैं। एंड गैन सुप्रीम काई अगर अपनी आधी पावर को मोड़ों को सील करने में नहीं लगाते तो वो स्टार्टिंग में ही माजेन वू को फिनिश कर देते। काइस के ऊपर हमारे लिस्ट में बीरस का रेस आता है। बीरस के रेस के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर इस रेस का जो भी मेंबर अभी टाइमलाइन के अंदर है वो अभी हकाई सीन के पोस्ट पर है और फिर इस रेस का
सभी मेमोरी पावर में हमारा बिना किसी डाउट के बहुत ही पावरफुल होगा। अब आती है नंबर वन रेस जो एक्चुअली एंजल्स की है। ड्रैगन बॉल के फ्रेंचाइज के अंदर ऐसा कोई काम नहीं जो एंजल्स ना कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने बहुत सारे रेसेस को छोड़ दिया है, आप उस रेस को कमेंट बॉक्स में बताओ और मैंने कितने रेसेस को बारे में बताया वो भी आप कमेंट में बताओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर से और एक ड्रैगन बॉल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।